हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 17 ऑफ चैप्टर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, जिसमें एमसीक्यूज, करेक्ट इनकरेक्ट और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इसके पहले ऑलरेडी मैंने पूरा चैप्टर 5 जो है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कारो 2020 की सारी क्लोजेस फ्रॉम चैप्टर 8, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस और केस स्टडी सोल्व करवा दिए हैं। होपफुली सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे या फिर पूरा ही चैप्टर मॉड्यूल में से पढ़ लिया है, तभी आपको ये टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस समझ में आएंगे, राइट। तो चलिए समझते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। एमसीक्यूज रब करेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट वैसे तो अब न्यू कोर्स में आपको पूछने के चांसेस नहीं है, बट यहाँ पर मॉड्यूल में दिए है तो समझने के लिए हम समझ लेते हैं। इसमें से कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में भी कई बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसमें भी ऐसे कोई सेंटेंसेस आपको पूछ सकते हैं, तो उसी के लिए हम यहाँ पर समझ लेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर में से हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कवरअप करेंगे, क्योंकि कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसे है जो आपको मेन टेक्स्ट जो चैप्टर का है उसमें नहीं दिए है, जिसमें वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऑडिट करने के लिए आपको पूछा है, स्पेसिफिक आइटम्स पूछी गई है, राइट। आपको इन जनरल सब कुछ समझा दिया है चैप्टर के टेक्स्ट में, बट एक्सरसाइज जो ये टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है उसमें स्पेसिफिक आइटम्स भी दी गई है, तो उसका ऑडिट कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर समझ लेंगे साथ में। और वो कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है ओल्ड कोर्स में, तो फिर से न्यू कोर्स में भी पूछ सकते हैं, इसीलिए वो हम देख लेंगे, राइट। तो इस तरह से आपको समझना होगा। तो चलिए टेस्ट योर नॉलेज में सबसे पहले हम एमसीक्यूज चेक करते हैं। 5.119 पर दिया हुआ है आपको। पहला एमसीक्यू है, एन ऑडिटर इज वेरीफाइंग परचेजेस टू एंश्योर देयर जेन्युइननेस, कंसिक्वेंटली ही इज आल्सो ट्राइंग टू वेरीफाई दैट नो फैक्टर्ड पेबल्स आर प्रेजेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हिच असर्शंस कंसर्निंग परचेज ट्रांजैक्शन एंड ट्रेड पेबल्स रिस्पेक्टिवली आर बीइंग वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। परचेज जेन्युइन है या नहीं वो चेक करना है, और ट्रेड पेएबल्स है वो फेक नहीं है वो हमें देखना है। तो ऑडिटर यहाँ पर कौन से assertions चेक कर रहे हैं, फॉर परचेज एंड ट्रेड पेएबल्स रिस्पेक्टिवली, अकरेंस एंड एग्जिस्टेंस, अकरेंस फॉर परचेज, एग्जिस्टेंस फॉर ट्रेड पेएबल्स, अकरेंस एंड कंप्लीटनेस, अकरेंस फॉर परचेज, कंप्लीटनेस फॉर ट्रेड पेएबल्स, एग्जिस्टेंस फॉर परचेज, अकरेंस फॉर ट्रेड पेएबल्स। ये तो गलत है, क्योंकि जो एक्जिस्टेंस है वो बैलेंस अकाउंट बैलेंसेस के आइटम्स के लिए assertion है, और जो अकरेंस है वो ट्रांजेक्शन के लिए है। परचेज है वो ट्रांजेक्शन है, ट्रेड पेएबल से वो बैलेंस है, तो ये तो गलत आंसर है। कंप्लीटनेस एंड अकरेंस, अकरेंस है वो जैसे बताया राइट कि वो ट्रेड पेएबल्स के लिए तो नहीं है, तो ये तो गलत ही है। कंप्लीटनेस दोनों में ही है, तो इस दोनों में से ही आंसर आएंगे। जो ट्रांजेक्शन से हुआ है या नहीं हुआ है राइट, मतलब कि वो तो अकर हुआ है या नहीं वो देखना है, तो ये अकरेंस तो ठीक है। अब ट्रेड पेएबल्स एग्जिस्ट करते हैं ये देख रहे हैं या फिर कंप्लीट है वो देख रहे हैं, हम यहाँ पर एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल में वो ट्रेड पेएबल्स है या नहीं, कोई गलत तो नहीं है ना। एक्चुअल में ट्रेड पेएबल्स है ही नहीं और वो दिखाए गए हैं, तो वो तो गलत है, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं फिर भी दिखाए, वो तो फेक ट्रेड पेएबल्स हो गए। तो हम यहाँ पर एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं कि वो जो ट्रेड पेएबल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए हैं वो सही में है या नहीं, इसीलिए आंसर आएगा ए, अकरेंस एंड एग्जिस्टेंस, क्लियर। Which of the following statement is most appropriate as regards to disclosure of goods in transit in financial statements of a company? Goods in transit के बारे में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है? नो सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज रिक्वायर्ड, गुड्स इन ट्रांजिट के लिए अलग से डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ टोटल गुड्स इन ट्रांजिट अंडर हेड ऑफ इन्वेंटरीज इज रिक्वायर्ड, टोटल गुड्स इन ट्रांजिट कितने हैं वो सिर्फ दिखाना है। Disclosure of goods in transit under each subhead of inventories is required. सारे ही जो subhead है inventory के, raw material, WIP, finished goods, stores and spares है, trade, stock in trade है, वो सभी में separately दिखाने हैं goods in transit कितने हैं। Disclosure of goods in transit for raw materials and finished goods is required. सिर्फ raw material और finished goods के लिए दिखाने हैं। यहाँ पर answer आएगा C, goods in transit सभी के लिए, each subhead के लिए दिखाना जरूरी है, राइट। वो हमने इन्वेंटरी के डिस्क्लोजर्स में ये देखा हुआ है। फिर थर्ड क्वेश्चन, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर इट्स डायरेक्टर्स ओनली, क्लाइंट्स ओनली, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, ऑडिटर्स ओनली। यहाँ पर आएगा डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। स्वेट इक्विटी शेयर्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय के स्वेट के लिए दिए जाते हैं, राइट, सिंपल है। Which of the following is not an element of cost of an item of machinery included under the head property plant and equipment? नीचे दिए गए
जो एलिमेंट्स है कॉस्ट के, उसमें से नॉट इंक्लूडेड कौन सा इंक्लूड नहीं होता है इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो कैपिटलाइज किया जाता है उसमें कौन सा कॉस्ट एलिमेंट है वो ऐड नहीं किया जाता। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो ऐड किया जाता है क्योंकि जो भी कॉस्ट नेसेसरी है टू ब्रिंग द असेट इन करंट लोकेशन एंड कंडीशन की जो मैनेजमेंट का इंटेंशन है यूज करने का उस हिसाब से उस कंडीशन में और उस लोकेशन पर लेकर आने के लिए जो भी कॉस्ट होगा वो ऐड होगा। तो इंस्टॉलेशन के बिना तो जनरली कोई भी मशीनरी का यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड किया जाता है। फ्रेट कॉस्ट फॉर ब्रिंगिंग द आइटम टू इट्स लोकेशन, वो लोकेशन पर लाने के लिए जो फ्रेट है वो भी ऐड किया जाएगा, राइट, जो हमने जस्ट ऑप्शन ए के साथ डिस्कस किया। इनॉग्रल कॉस्ट, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी बिजनेस, कोई भी लोकेशन पर कुछ स्टार्ट कर रहे तो उसके इनॉग्रेशन का कॉस्ट है वो ऐड नहीं किया जाता है। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट फॉर मेकिंग सच एन आइटम सुटेबल फॉर प्रोडक्शन, जो भी वो असेट वगैरह है उसको सुटेबल फॉर प्रोडक्शन बनाने के लिए अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, कोई वेजेस सैलरी पे किया गया है तो वो भी ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, इनॉग्रल कॉस्ट है वो ऐड नहीं किया जाता। ये भी हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में समझा था, राइट, प्रोविजन AS 10 के हिसाब से जो थे। लास्ट MCQ है, which of the classification is not required by a company in respect of its cash and cash equivalent? नीचे जो दिए गए उसमें से कौन सा classification cash and cash equivalent के लिए देना जरूरी नहीं है? Balance with banks, balance with scheduled banks, cash on hand and checks on hand. तो यहाँ पर कौन सा cash and cash equivalent में आपको disclose करने की जरूरत नहीं है? तो यहाँ पर आएगा option B, balances with scheduled bank. शेड्यूल्ड बैंक्स के पास बैलेंसेस कौन सी अलग है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बाकी ये तीनों करना जरूरी है, राइट? तो ये थे MCQs, अब देखते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट द सम एन एंटिटी पेज टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर देयर लेबर एंड लेबर और एफर्ट्स ओनली, तो ये गलत है। इसके अलावा परक्विजिट्स है, कोई भी ट्रेनिंग के लिए कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है, हायरिंग का एक्सपेंसेस है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर कवर अप होती है। इसका आंसर देखते हैं इनकरेक्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कॉमनली कॉल्ड पेरोल एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट द एग्रीगेट सम एन एंटिटी पेज टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर देयर लेबर और एफर्ट्स एज वेल एज एसोसिएटेड एक्सपेंसेस सच एज परक्विजिट्स और बेनिफिट्स। कोई भी परक्विजिट्स, हाउस दिया है, कार दी गई है, तो उसका भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही कवर अप होता है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेच्युटी, सुपर एन्युएशन, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा एज वेल एज टूवर्ड्स देयर हायरिंग, देयर वेलफेयर एंड ट्रेनिंग, राइट? तो ये सारी चीजें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कवर अप होती है, क्लियर? सेकंड करेक्ट इनकरेक्ट का स्टेटमेंट देखते हैं। Dividends are recognized in the statement of P&L only when the entity's right to receive payment of the dividend is established. डिविडेंड तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा पीएनएल में, डिविडेंड यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, तो डिविडेंड इनकम तभी रिकॉग्नाइज की जाएगी जब राइट टू रिसीव ऑफ पेमेंट हो वो एस्टेब्लिश होता है। बट ये अधूरा सेंटेंस है इसलिए इनकरेक्ट होगा, क्योंकि और दो कंडीशन भी हमें कंसिडर करनी है। एक तो इकोनॉमिकल बेनिफिट उसमें से एनडीटी को मिलने वाला हो वो पता हो, और एस्टिमेट है वो रिलायबली कर सकेंगे, मेजर लायबिलिटी कर पाएंगे, तभी डिविडेंड है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इनकरेक्ट, डिविडेंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ओनली व्हेन द एंटिटी इज राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड, इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द डिविडेंड विल फ्लो टू द एंटिटी एंड द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये तीनों कंडीशन होगी तभी डिविडेंड है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये ऑलरेडी ये जो स्टेटमेंट है वो ओल्ड कोर्स में एक बार करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। Sweat equity shares means equity shares issued by the company to employees or directors at a premium or for consideration other than cash for providing know-how or making available right in the nature of intellectual property rights or value additions by whatever name called. ये incorrect statement है, यहाँ पर premium पर नहीं होता है, वो discount पर होता है, discount या फिर other than for cash होता है, क्योंकि जो employees ने know-how दिया है, intellectual property rights या फिर उनका जो मेहनत है, वैल्यू एडिशन है, उसके लिए दिए जाते हैं शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन फॉर कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? वो सिमिलर है, क्लियर? नेक्स्ट जो सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस है वो देखते हैं। कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट्स दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स हेल्ड फॉर द टाइम बीइंग और एनी वन और मोर पर्पस, राइट? ये गलत है। रेवेन्यू रिजर्व है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो सकता है, कैपिटल रिजर्व है वो यूज नहीं हो सकता। रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू
शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ कैपिटल रिजर्व जनरली कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग डाउन फिक्टिशियस एसेट और लॉसेस और सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स फॉर इश्यूइंग बोनस शेयर्स इफ इट इज रियलाइज्ड। कैपिटल रिजर्व है वो फिक्टिशियस एसेट या लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए या फिर बोनस शेयर्स वगैरह इश्यू करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो ये आंसर सही है, सही पर्पसेस के लिए होता है। करेक्ट, कैपिटल रिजर्व जनरली कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग डाउन फिक्टिशियस एसेट और लॉसेस और सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स फॉर इश्यूइंग बोनस शेयर्स इफ इट इज रियलाइज्ड। बट द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर पर्पसेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 52 एंड 55 रिस्पेक्टिवली ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कुछ रिजर्व्स स्पेसिफिक होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज किए जा सकते हैं। जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का हमने समझा हुआ है सेक्शन 52 में, उसमें 5 पर्पसेस है, तो वो 5 पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस जो है सिक्स्थ सेंटेंस, इफ कंपनी एक्स इज बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग विद कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 100 लाख, तो ऑडिटर शैल अज्यूम ओनली वन पॉइंट दैट द मैनेजमेंट हैज ओनली असर्टेड दैट द बिल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एक्जिस्ट एज एट द पीरियड एंड। अगर कंपनी एक्स के बैलेंस शीट में 100 करोड़ रुपीज की बिल्डिंग है, तो उसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो बिल्डिंग है वो एग्जिस्ट करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट की वो एग्जिस्ट करती है, राइट? तो ये गलत है। इसके अलावा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस के बारे में भी वो एसर्ट करते हैं, वो भी हमें देखना होता है। इसका आंसर देखते हैं, इनकरेक्ट। इफ कंपनी एक्सेस बैलेंस इट शोज बिल्डिंग विद कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 100 लाख, तो ऑडिटर शैल अज्यूम दैट द मैनेजमेंट हैज क्लेम्ड और एसर्टेड दैट द बिल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एग्जिस्ट एट द पीरियड एंड। एग्जिस्टेंस एसर्शन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। Company X owns and controls such building, that is rights and obligation assertion. Actually, में उसका जो right है, उसकी ownership है, वो company की ही है। The building has been valued accurately in accordance with the measurement principles, that is valuation assertion. वो जो 100 lakhs rupees दिखाया है, वो value बराबर है after considering depreciation, revaluation, impairment, etc. And all buildings owned and controlled by the company X are included within the carrying amount of rupees 100 lakhs, that is completeness assertion. जितने भी बिल्डिंग्स है ओन्ड बाय द कंपनी है वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाए हैं 100 लाख में, वो कवर अप हो गए, दैट इज कंप्लीटनेस असर्शन। ये चारों चीजें हमें पता चलती है अगर मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट में 100 लाख रुपीज की बैलेंस शीट 100 लाख रुपीज के बिल्डिंग दिखाई है तो। एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेवंथ है, The securities premium account may only be applied by the company towards the issue of unissued shares of the company to the members of the company as fully paid bonus shares. Securities premium है वो सिर्फ bonus shares issue करने के लिए use किया जाता है, ये गलत है। इसके अलावा भी चार और उनके utilization allowed है as per section 52 of the Companies Act 2013. The securities premium account may be applied by the company towards the issue of unissued shares, that is bonus shares, right? वो तो sentence question में ही दिया हुआ है। In writing off the preliminary expenses of the company, in writing off the expenses of or the commission paid or discount allowed on any issue of shares or debentures of the company, in providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preferences or of any debentures of the company, or for the purchase of its own shares or other securities under section 68, that is buyback, right? As purposes ke liye use kiya ja sakta hai. The next sentence hai, Material and wages are considered to be revenue expenditure when incurred for construction of building. Construction of building के लिए material या wages जो भी expense हुए हैं वो revenue expense होगा, ये गलत है। अगर material और wages construction of building के लिए use किए हैं तो वो capital expense होगा और property, plant and equipment में वो capitalize किया जाएगा। Material and wages incurred on construction of building qualify to be capital expenditure as per AS 10 PPE. Therefore, this have to be added to the cost of the asset, that is building, and shall not be expended off to the statement of P&L. Simple. क्योंकि वो building बनाने के लिए ये हुआ तो वो building की value में add किया जाएगा. PPR depreciated when the asset is actually put to active use. Property, plant and equipment पर depreciation तब लगेगा जब वो put to use, active use में लाया जाए तब. ये गलत है. जब भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रेडी टू यूज हो, अवेलेबल टू यूज हो, तब उसके ऊपर तब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इनकरेक्ट, डेप्रिसिएशन इज इन फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू ऑब्सोलेशन यूसेज एंड एफ्लक्शन ऑफ टाइम, देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड व्हेन द असेट इज रेडी फॉर यूज। एक्टिव यूज ऑफ असेट इज नॉट मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपल।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड एट द जनरल मीटिंग। अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है इन जनरल मीटिंग, ये गलत है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, एमओए में चेंज किया जाएगा। इसलिए इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल रिक्वायर्स अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देयरफॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड फॉर इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये आपने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो दिया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है वो कैपिटल रिजर्व है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, राइट। इनकरेक्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इट इज अ रिस्ट्रिक्टिव रिजर्व एंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पर्पसेस गिवन इन द एक्ट। सिंस इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। सीआरआर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिविडेंड्स आर रिकमेंडेड बाय द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ये करेक्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो प्रपोज करते हैं कितना होगा और जो शेयर होल्डर्स है वो अप्रूव करते हैं, फिर डिक्लेयर किया जाता है। द डिविडेंड्स आर रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग। द शेयर होल्डर्स डिक्लेयर डिविडेंड्स एट द एजीएम बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करते हैं और उसके बाद वो एजीएम में शेयर होल्डर्स के पास जाता है और शेयर होल्डर्स है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज एन आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, हाउएवर द शेयर होल्डर कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट कैन नॉट इंक्रीज इट। डिविडेंड की जो अमाउंट प्रपोज की है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, मैनेजमेंट ने, उनको डिक्रीज करवा सकते हैं, वो इंक्रीज नहीं करवा सकता है। तो लास्ट सेंटेंस है वो देखते हैं, इन वेरीफाइंग ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी। ट्रेड रिसीवेबल्स के बैलेंसेस के लिए डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, करेक्ट है, राइट। वो अगर मंगवाएंगे तो हमें एक्सिस्टेंस के बारे में पता चल सकता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में पता चल सकता है, वैल्यूएशन के बारे में भी पता चल सकता है। सो करेक्ट, व्हाइल ऑडिटिंग ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस डायरेक्ट कंफर्मेशन एज पर SF-505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी। डायरेक्ट कंफर्मेशन कैन बी सॉर्ट फ्रॉम द डेटर्स डायरेक्टली कंफर्मिंग देयर बैलेंस ड्यू। द रिप्लाइज टू द कंफर्मेशन कैन बी देन मैच्ड विद द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट। Any discrepancies so revealed can be investigated and checked in detail for possibility of any risk of material misstatement. Auditor selects few debtors balances and asks the client to prepare the confirmation properly addressed to the debtors. Auditor maintains strict control over this process. ये already हमने SF-505 chapter 4 में भी समझा और chapter 9 में भी trade receivable में भी ये procedure, sorry chapter 5 में भी ये जो trade receivable में procedure हमने समझी हुई है, right? तो ये थे हमारे करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस, होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, राइट। अब देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि जो मेन टेक्स्ट ऑफ चैप्टर में नहीं दिया हुआ है बट यहाँ पर टेस्ट ऑफ नॉलेज में दिया है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में ओल्ड कोर्स में पूछे भी गए हैं, तो हम यहाँ पर फटाफट समझ लेते हैं, न्यू कोर्स में भी आने के चांसेस है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू वाउच एंड और वेरीफाई द फॉलोइंग। Goods sent out on sell or return basis. Goods sent on sell or return basis. अगर आपने CA Foundation में ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा। Sell or return basis मतलब कि जो भी entity है वो customers को option देते हैं, वो goods उनको दे देते हैं और उनको एक time limit देते हैं कि उनके अंदर उनको बताना है कि वो goods वो रखने वाले हैं या नहीं, customers वो goods रखने वाले हैं या नहीं। उनके पास फॉर एग्जाम्पल अगर 30 डेज का टाइम है तो 30 डेज के अंदर उनको बताना है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करने वाले हैं तो उनको रिटर्न करना होगा। आपने शायद ऐसा कपड़े के लिए किया भी होगा, आपके कोई पहचान वाले अगर दुकानदार है तो उनके पास से आपने कपड़े घर लेकर गए, सबको दिखाए, वो आपने पहन के देखे आपको फिट कंफर्टेबल है या नहीं, उसके बाद आप वो डिसाइड करते हैं कि उनमें से कौन सा रखना है, सारे रखने हैं या नहीं। तो वो जो चीज है वो सेल और रिटर्न बेसिस में कवर अप होती है। सेल और रिटर्न में क्या होता है कि पोजीशन है वो कस्टमर्स को दी जाती है बट ओनरशिप तभी दी जाएगी जब एक्चुअल में वो सेल्स उनके पास से एक्सेप्टेंस मिलेगा या फिर वो जो टाइमलाइन दी गई है 30 डेज फॉर एग्जांपल है तो वो 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे फिर ऐसा
फिर भी उनका रिप्लाई नहीं आया तो ऐसा माना जाएगा कि वो उन्होंने रख लिए हैं, तब उनको ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किया जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि जब भी ये सेल होता है, ऐसा टाइप का सेल और रिटर्न बेसिस पर होता है, तो मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाए जाते हैं और वो मेमोरेंडम अकाउंट्स फिर वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो ऐसे सेल्स बुक कर लेते हैं और अगर जब भी एक्चुअल में वो रिटर्न कर देते हैं तो वो रिवर्स किया जाता है। पर हाँ, ईयर एंड के टाइम पर खास ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी गुड्स के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आया है और अभी भी वो गुड्स है वो कस्टमर के पास पड़े हुए हैं और हमने सेल्स, मतलब एंटिटी ने सेल्स बुक कर लिया है, तो वो रिवर्स होना चाहिए एट द ईयर एंड, क्योंकि एक्चुअल में वो सेल अकर नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अभी तक पास ऑन नहीं किए हैं, तो वो एज अ रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते हैं। तो ईयर एंड पर वो रिवर्स होना जरूरी होगा, राइट। तो ये सेल और रिटर्न बेसिस पर है, इसका ऑडिट हम इसमें से समझते हैं। ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 5.125 पर, गुड्स सेंट आउट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सीए फाउंडेशन में ओल्ड कोर्स में तो था ये चैप्टर, न्यू कोर्स में निकल गया है। तो अगर आपने ओल्ड कोर्स में सीए फाउंडेशन किया है तो ये आपको थोड़ा सा फटाफट समझ में आ जाएगा, न्यू कोर्स वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। गुड्स सेंट आउट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, चेक वेदर अ सेपरेट मेमोरेंडा रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स सेंट आउट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इज मेंटेन्ड। द पार्टी, यहाँ पर मेमोरेंडा रिकॉर्ड्स है, मतलब वो रफ रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे कि गुड्स इनको दिया है बट अभी तक वो सेल बुक नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअल में अभी पता नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। द पार्टी अकाउंट्स आर डेबिटेड ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड द सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब एक्चुअल में वो एक्सेप्ट करेंगे तभी वो सेल्स की एंट्री पास की जाएगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया जाएगा। वेरीफाई दैट प्राइस ऑफ सच गुड्स इज अनलोडेड फ्रॉम द सेल्स अकाउंट एंड द ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड। Check the memoranda record to confirm that the receipt, that on the receipt of acceptance from each party, his account has been debited and the sales account correspondingly credited. जब उनके पास से response मिल रहा है, acceptance मिल रहा है, तब वो properly sales record हो रहा है या नहीं, वो देखना होगा. Ensure that goods in respect of which the period of approval has expired at the end of the year have either been received back or customer's account have been debited. अगर वो पीरियड खत्म हो गया है तो क्या होना चाहिए कि या तो वो कस्टमर्स के पास से गुड्स रिटर्न हो जाने चाहिए या फिर कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए, दैट मींस कि वो सेल्स बुक हो जाना चाहिए। कंफर्म दैट द इन्वेंटरी ऑफ गुड्स सेंट आउट ऑन अप्रूवल द पीरियड ऑफ अप्रूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैड नॉट एक्सपायर्ड टिल द एंड ऑफ द ईयर लाइंग विद थर्ड पार्टी हैज बीन इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी। अगर कस्टमर्स को गुड्स दिए हुए हैं, वो इन्वेंटरी कस्टमर्स के पास पड़ी है, ईयर एंड हो जाता है बीच में, अभी तक उनके पर उनका जो पीरियड था, राइट, कि जिसके अंदर अंदर उनको रिप्लाई करना है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो पोजीशन कस्टमर के पास है बट ओनरशिप है वो एंटिटी की है, तो वो एंटिटी की इन्वेंटरी में दिखाना जरूरी होगा। तो वो इन्वेंटरी है वो एंटिटी की बुक्स में इंक्लूडेड है या नहीं, वो हमें देखना होगा, राइट। तो ये चार पॉइंट्स दिए गए हैं, मेमोरेंडा अकाउंट्स बनाए हैं या नहीं उसके बारे में है, और जब भी एक्चुअल में एक्सेप्टेंस मिलेगा तभी सेल्स बुक किया जाएगा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो भी जब भी एक्चुअल में एक्सेप्टेंस मिल जाए तब वो मेमोरेंडम अकाउंट में से वो सेल्स प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, वो हमें देखना होगा। जो भी अप्रूवल मिली है, अप्रूवल का जो टाइम पीरियड खत्म हो गया, अगर एक्सपायर्ड हो गया, तो तब गुड्स रिटर्न हो जाने चाहिए या फिर सेल्स रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। एंड ईयर एंड पर अगर कोई भी इन्वेंटरी है वो कस्टमर के पास पड़ी हुई है और अभी तक वो टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो इन्वेंटरी में इंक्लूड होना चाहिए, एंटिटी की इन्वेंटरी में इंक्लूड होना चाहिए, वो हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा, क्लियर। फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन तो बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक है, तो ऑलरेडी वो हमने समझ लिया है बोरोविंग्स इन डिटेल, तो वो समझने की जरूरत नहीं है, वो आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू वाउच और वेरीफाई द फॉलोइंग, उसमें है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो हमारे मेन चैप्टर में नहीं दिया है, तो वो हमें देखना होगा, तो वो हम देखते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है 5.126 पर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जिनका न्यू कोर्स में सीए फाउंडेशन हुआ है उन्होंने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट भी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, सीए फाउंडेशन में ओल्ड कोर्स में ये चैप्टर था, न्यू कोर्स में नहीं है। तो कंसाइनमेंट मतलब काइंड ऑफ हम एजेंसी टाइप कॉन्सेप्ट ही समझ सकते हैं, एक प्रिंसिपल होता है वो उनके एजेंट को गुड्स सेंड करते हैं और जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स है वो सेल करते हैं, वो जो भी लोकेशन है वहां पर। यहाँ पर क्या होता है, उसका नाम है कंसाइनमेंट कहा जाता है, जो भी वो गुड्स बेचे दिए जाते हैं उनको, प्रिंसिपल है उनको कंसाइनर कहा जाता है और जो एजेंट है उनको कंसाइनी कहा जाता है। कंसाइनर है वो कंसाइनी को गुड्स भेजता है,
कंसाइनी है वो कंसाइनर के बिहाफ पर गुड्स सेल किए करते हैं, कंसाइनी को उसमें कमीशन दिया जाता है, बाकी कंसाइनर की ही ओनरशिप रहती है गुड्स की जब तक वो कंसाइनी है वो आगे सेल ना कर दे तब तक। कंसाइनी को भेजेंगे तब भी ओनरशिप है वो कंसाइनर की ही रहेगी, कंसाइनी को सिर्फ पजेशन मिलेगी, राइट। तो वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है उनके लिए ये दिया गया है, उसका ऑडिट कैसे करेंगे। वेरीफाई द अकाउंट सेल्स सबमिटेड बाय द कंसाइनी शोइंग गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंटरी ऑफ गुड्स इन हैंड। हमें अकाउंट सेल्स देखना है, अकाउंट सेल्स मतलब कि कंसाइनी ने जितना भी सेल्स किया है उसका पूरा रिकॉर्ड है वो कंसाइनी है वो कंसाइनर को भेजते हैं। हम यहाँ पर जो ऑडिट कर रहे हैं वो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, कंसाइनर की बुक्स में ही कर रहे हैं। तो जो सेल्स सबमिटेड बाय द अकाउंट सेल्स सबमिटेड बाय द कंसाइनी है जिसमें कितना गुड्स सेल किया है और इन्वेंटरी का जो गुड्स इन हैंड है वो हमें देखना होगा। जो इन्वेंटरी कंसाइनी के पास पड़ी है वो भी कंसाइनर की बुक्स में इन्वेंटरी दिखाई जाएगी क्योंकि ओनरशिप है वो कंसाइनर की ही है। रिकंसाइल द फिगर ऑफ द गुड्स ऑन हैंड एज गिवन इन द लास्ट अकाउंट सेल्स विद द प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस है वो अभी तक फाइनल इनवॉइस नहीं है, वो बनाया जाता है, वो कंसाइनी है वो कंसाइनर है वो कंसाइनी को भेजते हैं। तो कितने गुड्स भेजे थे और अकाउंट सेल्स में कितनी इन्वेंटरी है एंड अकाउंट सेल्स की कितना सेल्स हुआ है, कंसाइनर ने कितने गुड्स भेजे थे वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस में से पता चल सकता है, अकाउंट सेल्स में से कंसाइनी ने कितने सेल कर दिए वो पता चलेगा, और बाकी का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो इन्वेंटरी में होना चाहिए। तो वो सब कुछ चीजें हम रिकनसाइल करेंगे और पता करेंगे कि जो कंसाइनी के पास अभी भी गुड्स पड़ा है वो इन्वेंटरी जो है वो प्रॉपर है या नहीं। इफ एनी कंसाइनमेंट इन्वेंटरी वॉज इन द हैंड्स ऑफ द कंसाइनी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द सेम शुड बी टेकन इन टू अकाउंट इन द रिकंसिलिएशन। और रिकंसिलिएशन करेंगे तो हमें ओपनिंग इन्वेंटरी अगर कोई भी होगी तो वो भी कंसिडर करना होगा। ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द कंसाइनी फॉर द गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट ऑन द बैलेंस शीट डेट। वेरीफाई द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी टू चेक द कमीशन एंड अदर एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द कंसाइनीज अकाउंट। द अकाउंट सेल्स ऑल्सो मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंगली चेक्ड। जो भी हमें तो कंसाइनी के पास से कंफर्मेशन लेना है कि उनके पास कितनी इन्वेंटरी पड़ी हुई है, प्लस जो कंसाइनी को कमीशन या कोई भी एक्सपेंस पे आउट किए जाते हैं तो वो प्रॉपर है या नहीं वो हमें देखना होगा। कंसाइनमेंट का अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है, कंसाइनी एक्स है तो उनको जो दिया गया उसके लिए जो भी एक्सपेंस वगैरह सब कुछ सारी चीजें कंसाइनमेंट एक्स के अकाउंट में वो अलग से दिखाई जाती है। कंसाइनी का अकाउंट भी बनाया जाता है तो वो सारी चीजें जो उसमें रिकॉर्ड हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं वो हमें देखना होगा। अकाउंट सेल से वो कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को तो वो भी हम कॉरेस्पॉन्डिंगली चेक करेंगे। एंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन हैंड विद द कंसाइनी हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर एग्जाम्पल फ्रेट डॉक ड्यूज कस्टम ड्यूज एटसेट्रा अनलेस द वैल्यू इज लोअर। इन केस नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लोअर द इन्वेंटरी इन हैंड ऑफ द कंसाइनी शुड बी वैल्यूड एट एनआरवी। ऑल्सो सी दैट द अलाउंस हैज बीन made for damaged and obsolete goods in making the valuation. जैसे हम normal inventories का valuation करते हैं उसमें भी अगर cost or NRV whichever is lower में NRV अगर कम है तो NRV के ऊपर ही वो charge किया जाता है, तो वो consigned goods में भी देखना होगा। Plus अगर कोई भी damaged या obsolete goods है तो उसमें amount है वो write off करनी होगी, कम करनी होगी, तो वो भी हमें देखना होगा। और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है तो वो इन्वेंटरी का पार्ट बनेगा, फ्रेट है, डॉक ड्यूज है, कस्टम ड्यूज जो पे किए गए हैं इन्वेंटरी को रिसीव करने के लिए, तो वो पार्ट ऑफ इन्वेंटरी आएगा, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में ऐड किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है सी दैट गुड्स इन हैंड विद कंसाइनी हैव बीन शोन सेपरेटली अंडर द हेड इन्वेंटरीज। कंसाइनी के पास जो गुड्स है वो भी इन्वेंटरी का पार्ट होगा बट वो सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के बारे में, जो भी कंसाइनी ने अकाउंट सेल्स वगैरह सबमिट किया है वो प्रॉपर है या नहीं, गुड्स सोल्ड एंड गुड्स और इन्वेंटरी जो भी है उनका डेटा बराबर है या नहीं वो हमें देखना होगा। रिकंसाइल करना होगा गुड्स ऑन हैंड बाय ऑफ द कंसाइनी कितना है, अकाउंट सेल्स में कितना सेल किया है, और प्रोफॉर्मा इनवॉइस में कंसाइनर ने कंसाइनी को कितने गुड्स भेजे थे, और ओपनिंग बैलेंस हो तो उसको भी हमें देखना होगा और रिकंसाइल किया जाएगा पूरा जो गुड्स है वो। फिर कंफर्मेशन लिया जाएगा फ्रॉम द कंसाइनी की कितने गुड्स उनके पास पड़े हुए हैं, अकाउंट सेल्स और जो है उस हिसाब से हम देखेंगे कंसाइनी और कंसाइनमेंट का जो अकाउंट है उस वो देखेंगे कि एक्सपेंसेस कमीशन वगैरह है वो प्रॉपर है या नहीं। फिर हम इवेल्यूएट करेंगे क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन हैंड बाय द कंसाइनी कितना है, उसमें जो अमाउंट है वैल्यू है उसमें जो भी एक्सपेंसेस एड होने चाहिए थे प्लस कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा,
और ऑब्सोलेट आइटम्स वगैरह डैमेज्ड आइटम्स है तो उसके लिए राइट ऑफ किया जाएगा, अलाउंस क्रिएट किया जाएगा, तो वो देखना होगा। एंड गुड्स इन हैंड बाय द कंसाइनी है वो सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा इन द इन्वेंटरीज ऑफ कंसाइनर, राइट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखने नहीं जाते हैं, यहाँ पर सीधा ही आंसर देखते हैं। ये फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में है, उसका ऑडिट कैसे किया जाएगा वो हम समझते हैं। एग्जाम एंड ट्रैवलिंग अलाउंस बिल्स सबमिटेड बाय द एम्प्लॉइज स्टेटिंग द डिटेल्स ऑफ टू डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एटसेट्रा। फॉरेन ट्रैवल अगर एम्प्लॉइज को, अगर वो कोई भी बिजनेस पर्पज के लिए जा रहे हैं गए हैं तो उसका जो एक्सपेंस बुक किया है वो हम कैसे देखेंगे, तो उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस बिल्स जो भी है, डिटेल्स ऑफ टूर है, बिल्स के एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस की डिटेल्स है वो सारी चीजें देखी जाएगी। वेरीफाई द टूर प्रोग्राम वॉज प्रॉपरली ऑथोराइज बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी। जो टूर प्रोग्राम है कितने दिनों के लिए है, कब जाना है, किस तरीके से जाना है, वो सब कुछ जो है वो ऑथोराइज पर्सन ने अलाउ किया होना चाहिए, उनका ऑथोराइजेशन अप्रूवल होना चाहिए। चेक द टीए मतलब की ट्रैवलिंग अलाउंस बिल along with accompanying supporting documents such as air tickets, travel agent bills and hotel bills with reference to the internal rules for entitlement of the employees and also make sure that the bills are properly passed. TA bills jo traveling allowance bills hai unke sath jo supporting documents hai wo check kiya jayega, air tickets hai, hotel bills hai, wo sari cheeze. Usme kai bar jo employee ka class hota hai unka designation hota hai unke hisab se unko allow kiya jata hai, jaise ki agar एयर टिकट है तो उसमें किसको इकोनॉमिक क्लास में अलाउड होगा, किसको बिजनेस क्लास में अलाउड होगा, कौन सी टाइप की होटल 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार क्या अलाउड है, वो सारी चीजें भी कंपनी के इंटरनल रूल्स होंगे तो उसके हिसाब से है या नहीं वो हमें देखना होगा। सी दैट द टूर रिपोर्ट accompanies the TA bill. The tour report will show the purpose of the tour, satisfy that the purpose of the tour as shown by the tour report confirms to the authorization for the टूर रिपोर्ट देखा जाएगा किस पर्पस के लिए वो टूर है, वो सारी चीजें उसमें ये भी ध्यान में रखना है कि वो टूर है वो बिजनेस पर्पस के लिए ही है या नहीं और वो प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है या नहीं। चेक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिशन इफ नेसेसरी फॉर विथड्रॉइंग द फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ कंपनी द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्पेंट इज टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द अकाउंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट एज पर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज करवाया होगा तो आरबीआई की परमिशन जरूरी है तो वो ली गई है या नहीं वो देखेंगे और वो प्रॉपरली फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्सपेंस है वो सेपरेटली अलग से दिखाया है या नहीं वो हमें देखना होगा S11 की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, राइट। तो ये फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस के बारे में ऑडिट था, इसमें टीए बिल ट्रैवलिंग अलाउंस है उनके बिल्स वगैरह चेक किए जाएंगे, राइट, टूर रिपोर्ट के साथ उसमें अप्रूवल है या नहीं वो देखा जाएगा, टीए बिल है तो उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है और वो इंटरनल रूल्स के हिसाब से बराबर है या नहीं वो देखा जाएगा, टूर रिपोर्ट चेक किया जाएगा वो प्रॉपरली अप्रूव्ड है या नहीं वो देखा जाएगा, एंड आरबीआई की परमिशन और AS11 के हिसाब से प्रॉपरली डिस्क्लोजर है या नहीं, इवन शेड्यूल 3 का भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की तो वो फुलफिल की गई है या नहीं वो देखा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसिप्ट ऑफ कैपिटल सब्सिडी, तब कैपिटल सब्सिडी अगर कोई भी मिली है एंटिटी को तो उसका ऑडिट कैसे किया जाएगा। Check the application made for the claim of subsidy to ascertain the purpose and the scheme under which the subsidy has been made available. Claim of subsidy है और जो purpose है scheme का वो proper है या नहीं वो बराबर है या नहीं वो सारी चीजें हम देखेंगे, उसी के लिए वो apply किया गया है या नहीं। Examine documents for the grant of subsidy and note the conditions attached with the same relating to its use etc. वो जो भी grant है वो subsidy है उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम देखेंगे और उसमें जो कंडीशंस मेंशन की गई है तो वो देखेंगे और उसी हिसाब से वो यूज किया गया है यानी वो देखेंगे। एंश्योर दैट द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड एंड अदर टर्म्स स्पेशली वेदर द सेम इज फॉर अ स्पेसिफिक असेट फॉर इट्स और इज फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। कई बार जो ग्रांट सब्सिडी है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ आती है, वो आपको स्पेसिफिक असेट के लिए यूज करना है या फिर स्पेसिफिक असेट भी स्पेसिफिक लोकेशन पर ही आपको एस्टेब्लिश वगैरह करनी है ताकि वो जो लोकेशन है उनका अपब्रिंगिंग हो, राइट। तो अगर ऐसा कोई भी पर्पस है तो वो कंडीशन पर्पस है वो फुलफिल होता है या नहीं देखना होगा, क्योंकि अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा तो हो सकता है कि वो सब्सिडी को रिटर्न भी करना पड़े, तो वहां पर वो आपके लिए असेट नहीं होगा, इनकम नहीं होगा वो एंटिटी के लिए बट वो लायबिलिटी बन जाएगा। चेक रिलेवेंट एंट्रीज फॉर रिसिप्ट ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी की रिसिप्ट की एंट्री बराबर हुई है या नहीं वो देखेंगे।
चेक कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS-12 ऑन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, दैट इज वेदर इट रिलेट्स टू स्पेसिफिक अमाउंट और इन द फॉर्म ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन एंड अकॉर्डिंगली अकाउंटेड फॉर एज ऑल्सो कंप्लायंस विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। AS-12 की जो रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर वगैरह के लिए वो प्रॉपरली फॉलो हुई है या नहीं, हुई है या नहीं, वो हमें देखना होगा, राइट। तो ये पांच पॉइंट्स दिए हैं रिसिप्ट ऑफ कैपिटल सब्सिडी के लिए। वो जो क्लेम है वो सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम चेक करेंगे कि वो बराबर है या नहीं, वो हमें देखना होगा, एप्लीकेशन बराबर है या नहीं, ग्रांट सब्सिडी के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसका यूज वगैरह जो है, कंडीशंस जो है वो बराबर है या नहीं, वो हमें देखना होगा। कंडीशंस का फुलफिलमेंट जो भी है स्पेसिफिक असेट स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में, तो वो फुलफिल हो रही है या नहीं। एंट्रीज जो है वो बराबर है या नहीं रिसिप्ट ऑफ सब्सिडी की नहीं, और AS-12 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं वो हम देखेंगे, राइट। तो ये था रिसिप्ट ऑफ कैपिटल सब्सिडी। फिर दिया गया है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का प्रोविजन करना नेसेसरी है। इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से कितना प्रोविजन, कितना टैक्स पे करने के लिए होगा वो दिखाना जरूरी होगा। जिस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रहा है उसका जो टैक्स है वो ईयर कंप्लीट होने के बाद पे किया जाएगा, तो वो लायबिलिटी तो नेक्स्ट ईयर में बनेगी, बट उसका प्रोविजन है वो 31 मार्च के बैलेंस शीट में भी किया जाएगा, तो वो हमें चेक करना होगा। Obtain the computation of income and income tax prepared by the entity and verify whether it is as per Income Tax Act 1961 and rules made there under. Income tax के लिए जो income का computation और income tax का computation है वो proper है या नहीं, वो as per Income Tax Act 1961 है या नहीं, वो हमें देखना होगा। आपने PGBP और जो ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के क्वेश्चन इनकम टैक्स में देखे होंगे, तो उसमें जो अलाउड डिसअलाउड वो सारी चीजें होती है, उसी तरीके से एक्चुअल में इनकम कितनी होगी, क्योंकि वहां पर भी उस क्वेश्चन में भी आप क्या करते थे, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स लेते थे और उसमें अलाउड डिसअलाउड है वो सारे एडजस्टमेंट्स करते थे और फिर इनकम आती थी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसी के ऊपर इनकम टैक्स के रेट्स अप्लाई किए जाते हैं और इनकम टैक्स कितना होगा वो देखा जाता है। तो वो जो इनकम टैक्स की अमाउंट आती है वही प्रोविजन बनाया जाता है, तो वो जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है उस हिसाब से वो इनकम और इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन हुआ है यानी वो हमें देखना। रिव्यू एडजस्टमेंट्स एक्सपेंस डिसअलाउड स्पेशल रिबेट्स एटसेट्रा विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द लास्ट अवेलेबल कंप्लीटेड असेसमेंट। लास्ट अगर कोई भी असेसमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर्स का, तो उसका जो असेसमेंट हुआ है उस हिसाब से भी देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स रिबेट्स वगैरह जो भी है डिसअलाउंस वगैरह है वो प्रॉपर किए है या। Examine relevant records and documents pertaining to advance tax, self-assessment tax and other demands. Advance tax pay करना होता है, self-assessment tax pay करना होता है, other demand जो भी है उसके documents check करेंगे, उसकी भी अगर effect आती होगी provision पर तो वो करनी होगी। Compute tax payable as per the latest applicable rates in the Finance Act. जो भी tax computation होगा वो latest income tax के rate के हिसाब से ही होना चाहिए। Finance Act मतलब कि budget जो है उस हिसाब से होना चाहिए। Ensure that overall provisions on the date of the balance sheet is adequate having regard to current year provision, advance tax paid, assessment order, etc. Advance tax अगर pay कर दिया है तो उतना provision कम हो जाएगा। Provision है वो पूरे साल के लिए होता है, इसमें से अगर advance tax pay कर दिया है right? तो उतना provision अब नहीं करने की जरूरत, वो तो अब liability कम हो जाएगी, तो वो net of ही दिखाया जाता है, तो वो properly adjustment किया है। और कोई assessment order और कोई demand है तो वो liability वो भी provision करना जरूरी होगा, तो वो किया है या नहीं वो हमें देखना होगा। एंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS-22 ऑन अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम हैव बीन एप्रोप्रिएटली फॉलोड फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट। AS-22 जो है डेफर्ड टैक्स के बारे में, तो उसका भी कंप्लायंस हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, तो सबसे पहले तो इनकम कंप्यूटेशन और इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट है या नहीं वो हम देखेंगे। एक्सपेंसेस डिसअलाउंस एडजस्टमेंट है वो प्रीवियस या फिर लेटेस्ट असेसमेंट के हिसाब से है या नहीं वो हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किया जाएगा, एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर अदर कोई डिमांड है तो उसके रिगार्डिंग। फिर जो टैक्स कंप्यूटेशन किया है वो लेटेस्ट टैक्स रेट्स के हिसाब से है या नहीं वो देखा जाएगा। फिर जो प्रोविजन वगैरह किया गया है वो एडवांस टैक्स वगैरह के एडजस्टमेंट्स के बाद ही है या नहीं वो देखा जाएगा। और AS-22 का कंप्लायंस किया है या नहीं वो हम देखेंगे। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें है वाउचिंग फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो टैक्सेस पे किए गए हैं उसका वाउचिंग कैसे करेंगे, ये भी हमने चैप्टर में नहीं समझा है तो यहाँ पर समझ लेते हैं। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस कंसिक्वेंट अपॉन अ रेगुलर असेसमेंट शुड बी वेरीफाइड बाय रेफरेंस टू द कॉपी ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट फॉर्म, नोटिस ऑफ डिमांड एंड द रिसिप्ट चलान।
जो भी टैक्स पे किया है तो उसके जो चलान है, ऑर्डर है, फॉर्म है, वो सारी चीजें देखी जाएगी और उस हिसाब से है या नहीं वो हम देखेंगे। पेमेंट्स और एडवांस पेमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड विद द नोटिस ऑफ डिमांड एंड द रिसिप्टेड चलान एक्नोलेजिंग द अमाउंट पेड। एडवांस टैक्स वगैरह भी अगर पे किया है तो वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही देखना होगा, राइट। द इंटरेस्ट अलाउड ऑन एडवांस पेमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स शुड बी इंक्लूडेड एज इनकम एंड पेनल इंटरेस्ट चार्ज फॉर नॉन पेमेंट शुड बी डेबिटेड टू द इंटरेस्ट अकाउंट। जो भी इनकम इंटरेस्ट अलाउड है एडवांस पेमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स में वो भी कंसिडर किया जाएगा, तो वो जो पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया है नॉन पेमेंट वगैरह तो उसको भी हमें देखना होगा कि वो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट किया है या नहीं, क्योंकि वो एक्सपेंस का पार्ट होगा तो वो प्रॉपरली दिखाया है या नहीं। जो भी इंटरेस्ट है वो पे ही कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा। Nowadays, electronic payment of taxes is also in trend. Electronic payment of taxes means payment of taxes by way of internet banking facility or credit or debit card. Electronic payment भी होता है, right? तो वो payment बराबर है या नहीं उसके भी हम documents check करेंगे. The entity can make electronic payment of taxes also from the account of any other person. However, the challan for making such payment must clearly indicate the PAN of the assessee on whose behalf the payment is made. This should be checked by the auditor. Electronic payment है वो और कोई person भी कर सकता है assessee के behalf पर, but assessee का PAN है वो उस चलान में होना जरूरी है। कई बार जो assessee है उनके CS वगैरह है वो ही उनके account में से pay कर देते हैं taxes वगैरह, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो उसमें भी assessee का PAN number, permanent account number होना जरूरी है, तो वो हम देखेंगे। वो चलान में पेन होगा उसके बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि वो एसएससी का ही इनकम टैक्स पे किया गया है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एंटिटी टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम हिज ओन अकाउंट इन एन ऑथराइज्ड बैंक। व्हाइल वाउचिंग सच ई पेमेंट द ऑडिटर शुड क्रॉस वेरीफाई द पेमेंट ऑफ टैक्सेस थ्रू द रिसिप्टेड चलान अलोंग विद पेन नंबर और टेन नंबर एक्सेट्रा। जो ऊपर का पॉइंट था उसी का रिपीटेशन है, बस अलग तरीके से दिया है, राइट। तो वो पेमेंट हुआ है वो हमें देखना, राइट। तो ये पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, बहुत सिंपल सी चीज थी, आप एक बार पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। फिर क्वेश्चन 4A है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एक्सपेंस किया है वो ऑडिट हम कैसे करेंगे। वेरीफाई द बिल्स और इनवॉइसेस फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू एंश्योर दैट रेट्स चार्ज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी इनवॉइसेस आए हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास से, तो वो बिल्स वगैरह इनवॉइसेस वगैरह हम चेक करेंगे, उसमें रेट्स वगैरह लिए गए हैं वो बराबर है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है या नहीं वो हम देखेंगे। सी द एडवर्टाइजमेंट रिलेट्स टू क्लाइंट्स बिजनेस। जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट एक्सपेंस हो रहा है वो बिजनेस के लिए ही होनी चाहिए। इंस्पेक्ट द रिसिप्ट इश्यूड बाय द एजेंसी। एजेंसी ने जो भी रिसिप्ट की एक्चुअल में उनको रिसीव हो चुका है वो देखेंगे। Ascertain the nature of expenditure, revenue or capital expenditure and see that it has been recorded properly. Advertisement expense है वो nature क्या है, revenue या capital, generally revenue nature का होता है तो वो properly है या नहीं वो हम देखेंगे। Ascertain the period for which payment is made and see that prepaid amount if any is carried to the balance sheet. वो कितने period के लिए वो advertisement expense है, अगर उसमें से prepaid कुछ भी है, contract है वो more than 1 year के लिए है या फिर बीच में ईयर एंड आता है, तो वो अगर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी थोड़ा सा पार्ट है तो उसमें प्रीपेड एक्सपेंस किया जाएगा, तो वो प्रॉपरली क्लासिफाई किया है या नहीं वो हम देखेंगे। एंड सी दैट ऑल आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट बिल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर। और जो भी आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट बिल्स है तो उसका प्रोविजन अप्रूवल किया हुआ है या नहीं वो हम देखेंगे। काफी सिंपल पॉइंट्स है, राइट। बिल्स वगैरह चेक करना है, उसका क्लासिफिकेशन बराबर है या नहीं वो देखना है, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह है तो वो देखना है, प्रोविजन वगैरह करने की जरूरत है तो वो देखेंगे, क्लाइंट के बिजनेस से जुड़ा हुआ है यानी वो हम देखेंगे, सिंपल। और जो लास्ट क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज में हमारे लिए रिलेवेंट है वो है सेल ऑफ स्क्रिप। स्क्रिप सेल करते हैं तो उसका भी ऑडिट कैसे करेंगे। रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल एज रिगार्ड्स जनरेशन स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्क्रिप। स्क्रिप जो है वो कैसे जनरेट होता है, स्टोर कहाँ पर होता है और डिस्पोज कैसे किया जाएगा, तो उसके जो इंटरनल कंट्रोल है वो हमें चेक करने होंगे। स्क्रिप अगर मटीरियल अमाउंट में होगा तभी ये देखा जाएगा। चेक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेनिंग रीजनेबल रिकॉर्ड फॉर जनरेटिंग ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप। कितना स्क्रैप जनरेट होता है उसका क्या प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या नहीं वो हमें देखना होगा। एनालाइज द रॉ मटेरियल यूज्ड प्रोडक्शन एंड जनरेशन पैटर्न ऑफ स्क्रैप एंड कंपेयर द सेम विद फिगर्स ऑफ अर्लियर ईयर्स। कितना रॉ मटेरियल जाता है उसमें से कितना प्रोडक्शन होता है और कितना स्क्रैप जनरेट होता है, वो जो पैटर्न वो जो परसेंटेजेस है वो हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे।
चेक द रेट्स एट विच स्क्रैप हैज बीन सोल्ड एंड कंपेयर द रेट विथ प्रीवियस ईयर. जो स्क्रैप सेल हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसके रेट्स और प्रीवियस ईयर के रेट्स मैच किए जाएंगे और उसमें वेरिएशन होगा तो मैनेजमेंट से पूछेंगे. वाउच सेल्स विथ इनवॉइसेस रेज्ड एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर टेंडर रेट कॉन्ट्रैक्ट विथ स्क्रैप डीलर्स. कुछ इंटरनल प्रोसेसेस चेक की जाएगी, इनवॉइसेस वगैरह रेज किए हैं, एडवर्टाइजमेंट जो टेंडर वगैरह दिए गए हैं, रेट्स वगैरह है, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे. Ensure that there exists a proper control procedure to identify scrap and goods, good units, and they are not mixed up and sold as a scrap. ये देखना होगा कि वहाँ पर procedure बराबर है, good units और scrap को separate करने के लिए उसमें कुछ confusion नहीं होता कि good units है उसको as a scrap sell कर दिया जाए. Make an overall assessment of the value of realization from scrap as to its reasonableness. और reasonability test check करेंगे कि कितना स्क्रैप है और उसमें कितना रियलाइज होना चाहिए और टोटल स्क्रैप कितना सेल किया है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो बराबर है या नहीं, वो रीजनेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं. तो ये स्क्रैप सेल के बारे में था. इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह चेक करने हैं, इस उसकी जो पैटर्न है कि स्क्रैप कितना रॉ मटेरियल गया, कितना प्रोडक्शन हुआ और स्क्रैप कितना जनरेट हुआ, पैटर्न और परसेंटेज हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं. उसके जो स्क्रैप सेल के रेट्स है वो हम प्रीवियस ईयर के से चेक कर सकते हैं. जो जनरेट होता है स्क्रैप उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो प्रॉपर है या नहीं वो देखा जाएगा. इनवॉइसेस से स्क्रैप के रेट्स जो है एडवर्टाइजमेंट दी गई है वो सारी चीजें बराबर है या नहीं वो देखेंगे. गुड यूनिट्स और स्क्रैप को सेपरेटली रखा जाता है या नहीं वो देखेंगे और उनके जो रीजनेबिलिटी टेस्ट हम कर सकते हैं. सेल ऑफ स्क्रैप है वो ओल्ड कोर्स में ऑलरेडी एक बार पूछा हुआ है. आई थिंक जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो भी एक बार ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट ये सेल ऑफ स्क्रैप तो एक बार पूछा ही है. तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. बाकी को जो सारे क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं मेन चैप्टर में, तो वो कहीं ना कहीं कवर अप हो जाता है, इसीलिए वो हम अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं. राइट, तो ये थे हमारे MCQs, करेक्ट इनकरेक्ट और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. और यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है. होपफुली वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. अब हम चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट है उनके वीडियोज स्टार्ट करें. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.